आपने कई बार सुना और पढ़ा होगा कि ब्लैक होल की ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे अंतरिक्ष में सबसे तेज ट्रैवल करने वाली लाइट भी बचकर वापस नहीं जा सकती, और ब्लैक होल बड़े बड़े स्टार्स को भी निगल जाता है। पर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वह यूनिवर्स में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं निगल लेता, और आखिर कैसे प्लैनेट और स्टार्स ब्लैक होल को ऑर्बिट करके भी सुरक्षित उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर एक ब्लैक होल होता क्या है और यह कैसे बनता है। ब्लैक होल भी एक मरा हुआ स्टार ही होता है, जिसका सारा मास एक एटम जितने साइज में कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसके कारण उस स्टार का मास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्पेस टाइम में उससे एक गहरा गड्ढा हो जाता है, जिसके चलते उस स्टार की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी सिंगुलैरिटी पर समय पूरी तरह से रुक जाता है, और इसी को हम एक ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल कैसे बनता है? जब एक तारा अपने अंतिम समय में होता है तो अगर उसका साइज हमारे सन से कई हजार गुना बड़ा होता है तो ऐसे में सुपरनोवा धमाका होने के पश्चात भी उसके पास बहुत सा मास बच जाता है और वह तेजी से ग्रेविटी के चलते अपने कोर में कंप्रेस्ड होने लगता है, और यह इतना ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है कि इस स्टार का सारा मास एक छोटे से एटम में आ जाता है, जिसके कारण स्पेस टाइम में एक गहरा होल बनाता है और एक ब्लैक होल का जन्म होता है। आखिर ब्लैक होल यूनिवर्स में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं निकल लेते, और स्टार और प्लैनेट्स उसके ऑर्बिट में स्टेबल कैसे रह पाते हैं? जैसा कि हमने जाना कि ब्लैक होल एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वह बात अलग है कि इसकी ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होती है, पर इसके बावजूद इसकी ग्रेविटी का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर इसकी ग्रेविटी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कम ग्रेविटेशनल फोर्स डालती है। इसे हम इवेंट होराइजोन कहते हैं, जो किसी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी पॉइंट के चारों ओर का गोल एरिया होता है। यह वह एरिया होता है जहां से दूर रहने पर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पुल से बच सकता है, पर अगर कोई दूसरा यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट इस इवेंट होराइजन को पार करता है तो अब उसके पास बचने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता, और ब्लैक होल का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पुल तेजी से उसे अपनी सिंगुलैरिटी की ओर खींचने लगता है। यहाँ पर यह मैटर नहीं करता कि ब्लैक होल का साइज दूसरे ऑब्जेक्ट से छोटा है या फिर बड़ा। अगर वह ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की इवेंट होराइजन को पार करेगा तो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में खींचा चला जाएगा, और यही लाइट के साथ भी होता है। जब लाइट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास से गुजरती है तो हम उसे देख सकते हैं, पर जो लाइट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर देती है वह सीधे ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी में चली जाती है और कभी भी वापस नहीं आती। इसलिए हम यूनिवर्स में केवल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को देख पाते हैं, न कि उसकी सिंगुलैरिटी को। स्टार और प्लैनेट्स उसके ऑर्बिट में स्टेबल कैसे रह पाते हैं? जिस तरह हमारे सन के चारों ओर प्लैनेट्स और उनके मून्स सन को ऑर्बिट करते हैं, ब्लैक होल को भी इसी तरह स्टार्स, प्लैनेट्स और उनके मून्स ऑर्बिट करते हैं, और यह ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से काफी दूर रहकर ब्लैक होल को ऑर्बिट करते हैं, जिसके कारण ब्लैक होल की ग्रेविटी पुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी सोलर सिस्टम में मौजूद स्टार की ग्रेविटी उसके प्लैनेट्स को ऑर्बिट में घुमाती रहती है, और वे प्लैनेट्स और स्टार ब्लैक होल के अंदर नहीं खिंचते। सुपरमैसिव ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल इफेक्ट कई लाख लाइट ईयर्स तक फैला होता है, इसलिए यह ज्यादातर गैलेक्सीज के बीच में मौजूद होकर एक ऐसे स्टार की तरह बर्ताव करते हैं जिसके लिए पूरी गैलेक्सी उसका एक सोलर सिस्टम होता है, जिसमें मौजूद सभी स्टार्स, प्लैनेट्स और उनके मून, सब कुछ जो इस गैलेक्सी में मौजूद होता है वह इस सुपरमैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण इफेक्ट होता है और सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट करता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी इसी तरह का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका नाम सजिटेरियस ए है, और मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार्स, प्लैनेट्स और उनके मून्स इसी सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट करते हैं, और हमारा सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल को ही ऑर्बिट करता है, और हमारे सन को सजिटेरियस ए का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 225 से 250 मिलियन साल का समय लगता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब तक प्लैनेट्स और स्टार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार नहीं कर लेते, ब्लैक होल उन्हें अपने अंदर नहीं खींच सकता,
और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से दूर होने पर एक ब्लैक होल किसी अन्य स्टार की तरह काम करता है और ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के चारों ओर सुरक्षित रूप से परिक्रमा कर सकते हैं जैसे वे स्टार के चारों ओर करते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ब्लैक होल के अंदर क्या है ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि ब्लैक होल के पास जाते ही सभी ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल एटम्स में टूट जाते हैं। पर कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर ब्लैक होल पर कई थ्योरी दी हैं, जो ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है इसकी संभावनाओं को हमें दिखाती हैं। नंबर वन, ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां पर हमारा फिजिक्स का कोई नियम लागू नहीं होता। और कुछ बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही आप ब्लैक होल सिंगुलैरिटी के नजदीक पहुंचने लगेंगे स्पेस एंड टाइम एक होता जाएगा जिससे ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड का रास्ता बन जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे ब्लैक होल दो ब्रह्मांड के बीच की सुरंग हो। इस सुरंग को वर्म होल नाम दिया है। इस वर्म होल के जरिए आप पहुंच जाएंगे एक नई दुनिया में या फिर आप अपने ही भूतकाल में वापस चले जाओगे जिसे हम टाइम ट्रैवल कहते हैं। अगर ये सच साबित होता है कि हम ब्लैक होल के जरिए भूतकाल में समय यात्रा कर सकते हैं तो कई समस्याएं उत्पन्न होंगी जिनमें सबसे प्रसिद्ध है दादाजी वाली। अगर आप भूतकाल में जाकर अपने दादाजी को मार देते हो तो आपका जन्म कैसे हुआ और आपका जन्म नहीं हुआ तो आपके दादाजी को किसने मारा। इसी सवाल की वजह से कुछ लोग इस संभावना को नहीं मानते। नंबर टू, कुछ थ्योरीज की माने तो हर ब्लैक होल के अंदर एक ब्रह्मांड होता है तो ये भी संभव है कि हमारा ब्रह्मांड भी किसी ब्लैक होल के अंदर आया हुआ होगा। इस पर बहुत से वैज्ञानिक यकीन करते हैं पर इसके साथ ही कई समस्याएं हैं। पर अगर ये सच है तो इस यूनिवर्स में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट हमारी यूनिवर्सल ब्लैक होल द्वारा निकले गए हैं और हमारा पूरा यूनिवर्स का ब्लैक होल भी किसी दूसरे यूनिवर्स में एक ब्लैक होल है जो शायद किसी और यूनिवर्स का ब्लैक होल होगा। समझने में थोड़ा मुश्किल जरूर है पर कई वैज्ञानिक इस पर यकीन करते हैं। नंबर थ्री, एक और संभावना ये है कि ब्लैक होल की दूसरी तरफ व्हाइट होल बना होता है जो अपने अंदर की सारी चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। ये कुछ हद तक सही भी लगता है क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि कोई भी कर्ण या ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ब्लैक होल में गई सारी चीजों का क्या? इसका जवाब है व्हाइट होल, जो ब्लैक होल के द्वारा निगली हुई चीजों को बाहर निकालता है। वह हो सकता है फर्स्ट हिस्टोरिकल इमेज ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल की इमेज लेना असंभव है। ब्लैक होल पर जो भी प्रकाश पड़ता है वो कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि हम कभी ब्लैक होल की तस्वीर नहीं ले सकते और न ही कभी उसे देख सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ उसी चीज को देख सकते हैं जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। यानी ब्लैक होल की तो इमेज नहीं ली जा सकती पर दोस्तों उसके चारों ओर मौजूद इवेंट होराइजन जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी स्पेस टेलीस्कोप तक पहुंच सकती है हम उसकी इमेज ले सकते हैं। और हमने ऐसा ही किया साल 2019 में ब्लैक होल की इमेज को लेने के लिए। उस समय हमने ब्लैक होल की जो इमेज ली थी उसके लिए पूरी दुनिया में 8 विशाल रेडियो टेलीस्कोप को लगाया गया था जिन्हें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम दिया गया था। इन सारे टेलीस्कोप्स का उपयोग करके M87 यानी कि मैसियर 87 गैलेक्सी के केंद्र में रहे ब्लैक होल की वजह से उत्पन्न होने वाली गुरुत्व तरंगे और रेडियो तरंगों को इकट्ठा करके यह तस्वीर बनाई गई है जो उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तस्वीर थी। अब हम ब्लैक होल के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नंबर वन, सबसे नजदीकी ब्लैक होल कौन सा है और क्या हमें उससे खतरा है? हमारी सबसे नजदीकी ब्लैक होल V616 मोनोसेरोटिस है जो कि हमारे ही आकाशगंगा में आया हुआ है। यह पृथ्वी से 3000 प्रकाश वर्ष दूर है तो इससे हमें खतरा तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि यह स्टेलर मास ब्लैक होल है और इसका द्रव्यमान 10 सूर्य जितना है। नंबर टू, क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं? अगर आप ब्लैक होल में गिरेंगे तो इवेंट होराइजन को पार करते ही आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। वैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप ब्लैक होल में गिरेंगे तो क्या होगा। अगर स्थिर ब्लैक होल हुआ तो केंद्र में चले जाएंगे और घूमता हुआ तो किसी और ब्रह्मांड में चले जाएंगे। जैसे ही आप इवेंट होराइजन को पार करेंगे तो आपके शरीर का पूरा खिंचाव नीचे की तरफ हो जाएगा और तभी आपकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा, अगर हॉकिंग रेडिएशन पूरी तरह से सच है तो इवेंट होराइजन के तुरंत बाद ही आप गर्मी की वजह से जल जाएंगे। नंबर थ्री, क्या होगा अगर सूर्य की जगह ब्लैक होल हो? सीधा सा जवाब है, वो ब्लैक होल पूरे सौरमंडल को खा जाता। पर यह निर्भर करता है कि वह ब्लैक होल कितना बड़ा है, क्योंकि अगर छोटा ब्लैक होल हुआ तो ऐसा हो सकता है कि उसके इवेंट होराइजन की रेखा
ग्रहों से काफी दूर रहे, जिससे ग्रह को वो अपनी तरफ ना खींच पाए। नंबर 4, अगर सूर्य ब्लैक होल बन जाए तो। अगर सूर्य ब्लैक होल बन जाए तो वो किसी भी ग्रह को निगल नहीं पाएगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि सूर्य के ब्लैक होल बनने पर उसका सिर्फ आकार छोटा होगा, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, और गुरुत्व बल द्रव्यमान पर आधारित है न कि आकार पर। पर हम सूर्य का प्रकाश और उसकी गर्मी को खो देंगे, जिससे ठंड बढ़ जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। नंबर 5, ब्लैक होल की खोज किसने की। इसकी खोज का श्रेय जाता है कार्ल स्वार्टशील्ड को। नंबर 6, क्या पृथ्वी ब्लैक होल बन सकती है। हाँ, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु ब्लैक होल बन सकती है, बस शर्त इतनी है कि उसे सूक्ष्म स्तर पर सिकोड़ दिया जाना चाहिए। वैसे इसके लिए भी एक इक्वेशन है कि किसी भी वस्तु को ब्लैक होल बनाने के लिए कितना छोटा करना पड़ेगा। अगर आपको पृथ्वी को ब्लैक होल बनाना है तो उसे 1 या 2 सेंटीमीटर जितना करना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि 6300 किलोमीटर बड़ी पृथ्वी को आप कैसे मटर के दाने जितना छोटा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।